अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़रगाम अमेडार और आज हम आपके लिए ये एक कनाल का अल्ट्रा स्पेनिश घर लेकर आए हैं जो बहरिया टाउन लाहौर के जैस्मीन ब्लॉक के अंदर लोकेटेड है और ये बिल्कुल 100 फुट वाइड रोड पर लोकेटेड है और यहाँ पर आपको यहाँ से तलवार चौक भी नज़र आ रहा होगा। आप इसकी सराउंडिंग देख सकते हैं कि यहाँ पर घर बने हुए हैं, इसकी एक्सेस बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेन रोड पर लोकेटेड है, आपको अंदर की तरफ मूव नहीं करना पड़ता। तो आए व्यूअर्स, हम इस घर को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट को देखते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अल्ट्रा स्पेनिश घर है, इसके अंदर हमें 17 का काम रोट आयरन के हमें यहाँ पर रेलिंग्स मिल रही हैं, रोट आयरन के गेट मिल रहे हैं, इसके अंदर ब्लैक एंड गोल्ड थीम हमें नज़र आ रही है और साथ ही साथ मोल्डिंग्स का इसके अंदर काफ़ी अच्छा काम किया गया। अगर हम इसकी बाउंड्री वॉल में देखें तो यहाँ पर हमें प्लांटर्स मिलते हैं काफ़ी एग्जॉटिक किस्म के और साथ ही साथ हमें यहाँ पर 17 का काम, उसके साथ साथ मोजाइक का काम काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ थ्रू आउट यहाँ की सारी बाउंड्री वॉल पर मिल रहा है। साथ ही इसमें सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो फेंसिंग भी की गई है इलेक्ट्रिक, ताकि आपको इसकी सिक्योरिटी को एक सेकेंड बैरियर ऑफ सिक्योरिटी दिया जाए। लैम्प्स ईच एंड एवरीथिंग इसको एक एग्जॉटिक और अल्ट्रा स्पेनिश वाइब दे रहे हैं। तो व्यूअर, जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर होते हैं साथ ही हमें ये मिलता है इसका ह्यूज गैराज, जिसके अंदर हमें सफिशिएंट पार्किंग स्पेस मिल रही है। इसमें हम 3 गाड़ियाँ बआसानी पार्क कर सकते हैं। 17 स्टोन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वॉल पर 17 स्टोन लगा है। यहाँ पर भी आपको एक निश मिल रही है जिसके अंदर मार्बल मोजाइक का काम मिल रहा है और साथ ही साथ अगर हम यहाँ से इसके पिलर्स का भी मुआयना करें तो ये हमें ग्रेनाइट का इसके ऊपर काम मिल रहा है। रोट आयरन का गेट है, स्टील के साथ रीइंफोर्स्ड है और साथ यहाँ पर भी हमें ग्रेनाइट का इसी तरह का पिलर मिल रहा है जो इसको एक सॉलिडिफाइड लुक दे रहा है। साथ ही हमें गेट के दूसरी तरफ मिलता है यहाँ पे इसका लॉन सेक्शन, काफ़ी वेल मेंटेन्ड वेल मैनेज इसका ये सेक्शन है। और इसके अंदर अगर हम वॉल पे डिज़ाइनिंग देखें तो यहाँ पर हमें 17 के साथ साथ ऑस्टोडर्फ, दूसरी तरफ साथ ही हमें यहाँ पर टाइल्स के अंदर ही एक एंटीक सा हमें एक सर्कुलर शेप में बना हुआ आर्ट वर्क मिलता है और इधर भी हमें 17 के अंदर ही डिफरेंट शेप्स मिल रही है, एक यूनिफॉर्मिटी मिल रही है, सिमेट्री है। इस लाइन में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर 17 में ऑस्टोडर्फ के मिक्सर में हमें काम मिल रहा है। और ये व्यूअर्स इसका एलिवेशन है, यहाँ से काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पे इसको एक लुक दी है और इसकी जो लुक इसके साथ कंपैटिबिलिटी है स्पेनिश स्टाइल से बिल्कुल रिजेंबलेंस की वजह से काफ़ी अच्छी बन रही है। और ये गली है इसकी जो पीछे की तरफ इसको लीड कर रही है। तो व्यूअर्स, आए हम इस घर के अंदर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर CCTV कैमराज भी इंस्टॉल्ड हैं। गैराज में अगर हम देखें तो ये एक सर्कुलर शेप सी हमें नज़र आ रही है जहाँ से हमें सर्कुलर इसका स्टेयर केस नज़र आ रहा है। राइट साइड पर हमें ये दो निशेज में अगेन मार्बल मोजाइक का काम मिल रहा है और इसमें वर्कमैनशिप काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं कि गैप्स बिल्कुल मिनिमम और ना होने के बराबर दिए गए। फॉल सीलिंग भी इसकी अल्ट्रा स्पेनिश होने की वजह से उसी के हिसाब से कंपैटिबल बनाई गई है। तो व्यूअर्स, आए हम अंदर की तरफ मूव करते हैं। ब्लैक ग्रेनाइट के दो स्टेप्स के बाद हमें ये मिलता है अप टिल द सीलिंग डोर, काफ़ी अच्छा और सॉलिड वाइब के साथ वुडन डोर है जिसके अंदर रॉट आयरन का भी काम है। और जैसे हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो ये व्यूअर्स इसके नज़ारे हैं, चेक करें आप अल्ट्रा स्पेनिश घर के सिग्नेचर लुक्स। नीचे ही यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सा सर्कुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है और यहाँ से ये खूबसूरत सा स्टेयर केस ऊपर की तरफ लीड कर रहा है। यहाँ पे हम फर्दर जाते हैं ग्राउंड फ्लोर को एक्सप्लोर करने के बाद। यह है इसका लॉबी सेक्शन जहाँ पर हमें यहाँ पर मिरर्स का काम सर्कुलर शेप्स में मिल रहा है। यहाँ से सारी चीज़ें एक्सेसिबल है, आपका TV लाउंज, आपका किचन, यहाँ पे आपके प्लांटर्स लगे हैं बिलो द स्टेयर केस। इस तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर हमें इसका पाउडर रूम मिल रहा है जिसके साथ ही हमें यहाँ पर इसका ड्राइंग रूम भी मिल रहा है। आए सबसे पहले हम पाउडर देखते हैं। इसमें भी हमें 10 फुट हाइट का डोर मिल रहा है, सॉलिड वुडन डोर जिससे एंटर होते, साथ ही काफ़ी खूबसूरत पाउडर रूम है और ये देख के हमें फील हो रहा है कि ये घर भी अच्छा ही होगा, जो अच्छा ही है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी इन्होंने मेहनत के साथ ये चीज़ बनाई है इसके अंदर और एक बादशाहों वाली फील आ रही है इसके अंदर। आप इस कमोड पर अगर बैठे हो तो यहाँ इसके पीछे भी ग्रेनाइट है, टाइल अप टू द सीलिंग, काफ़ी अच्छी फिनिशेज हैं। यहाँ से आप देखें कि प्रॉपर इन्होंने एक रॉयल वाइब दी है इसके पाउडर रूम से निकलते ही, फिर ये नज़ारे हैं। यस, तो आए अब हम चलते हैं इसके ड्राइंग रूम की तरफ जो बिल्कुल पाउडर के एडजेसेंट है। आपको गेस्ट को बेसिकली ईज़ के लिए पाउडर रूम होता है। ये चेक करें सर, क्या चीज़ बनाई है इन्होंने, मतलब एक रॉयल्टी वाली वाइब आ रही है। आप टाइल्स देखें, इसके अंदर 3x6 की टाइल्स लगी है,
साथ ही साथ आप वॉल्स पर देखें कि निशेज का किस तरह से काम किया गया, मोल्डिंग्स का किस तरह से काम है जिसके अंदर वॉलपेपर्स लगाए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ सेफ्टी भी है और एलिगेंस भी है। फॉल सीलिंग देखें तो इसके अंदर ये शैंडलियर काफ़ी खूबसूरत और एक एंटीक वाइब दे रहा है। साथ ही साथ फॉल सीलिंग के अंदर जो पैटर्न बनाए गए हैं वो भी एक सिमेट्रिकल शेप्स के अंदर हैं, जहाँ शैंडलियर है, जहाँ फैंस के पॉइंट्स हैं, इनके बॉर्डर्स हो जाए, फेंसिंग हो जाए, वाइट एंड गोल्ड, ब्लैक एंड गोल्ड कंट्रास्ट में चल रहे हैं। और इस तरफ अगर हम देखें तो सेंटर में फायरप्लेस, राइट लेफ्ट बोथ साइड्स पर हमें पिलर्स जैसी शेप मिल रही है, और यहाँ पर एयर कंडीशनर एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। और बाउंड्रीज भी देखें तो फॉल सीलिंग की काफ़ी अच्छी की गई है, इवन साइड्स पर भी जो हमें मोल्डिंग्स की निशेज के अंदर हमें काम मिल रहा है उसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी लाइटिंग मिल रही है देखने को। और व्यूअर्स, ये एक वजीद रॉयल वाइब है। लॉन्ग टीवी लाउंज भी बन जाता है, बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं कि एलसीडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये पूरा दरवाज़ा खुल जाए तो आप एक लॉन्ग टीवी लाउंज भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली डिज़ाइंड एज अ ड्राइंग रूम। और इसके साथ ही ये जो दो पिलर्स हैं यहाँ पे हम सेपरेशन करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और ये है डेजिग्नेटेड एज अ डाइनिंग रूम, जिसके बिल्कुल हमें इन लेंथ ऑफ द टेबल यहाँ पर एक शैंडलियर मिल रहा है खूबसूरत सा। सेम हमें यहाँ पर फॉल सीलिंग में देखें तो काफ़ी इसमें भी मेहनत की गई है, डिज़ाइन डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ड्राइंग रूम। यहाँ पर हमें मिरर का काम भी देखने को मिल रहा है फॉल सीलिंग के अंदर। फैंस इंस्टॉल्ड हैं ब्लैक कलर के, फॉल सीलिंग है वाइट, मतलब यूनिवर्सल कंट्रास्ट है इसके अंदर चल रहा है। और अगर हम यहाँ से देखें राइट साइड की तरफ तो यहाँ से हमें डे लाइट की सोर्सिंग है, जहाँ पर अगेन मोल्डिंग्स का, ट्रेमेटीन का काफ़ी खूबसूरत सा काम किया गया। और दूसरी तरफ अगर हम मुड़ते हैं तो व्यूअर्स ये चेक करें, आपके डाइनिंग रूम के अंदर आपके डेकोरेशन पीसेज, क्रॉकरी एक्सेट्रा के लिए सफिशेंट स्पेस है, और मिरर्स का काम काफ़ी ज़्यादा किया गया है कि जिससे आपको एक ओपननेस की वाइब भी आती है। और अभी चेक करें बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, जहाँ पर आप फर्दर अपनी चीज़ें यूटिलिटी की यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सेपरेट एंट्रेंस करना चाहें तो यहाँ से सेपरेट भी कर सकते हैं, कंबाइन करना चाहें यहाँ से बोल के कंबाइन भी कर सकते हैं आप। और व्यूअर्स, अब हम आ गए इसके टीवी लाउंज के अंदर। ओपननेस चेक करें व्यूअर्स आप इसकी, कितनी खुली डुल्ली इसकी एक ओपन वाइब है। बड़े साइज़ की टाइल लगी है, बिल्कुल सामने हमें कंसोल मिल रहा है, कंसोल भी मोल्डिंग्स के साथ जिस तरह से कंपेटिबिलिटी से बनाया गया, एक काफ़ी एलिगेंट वाइब दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें लेफ्ट साइड पर तो यहाँ पर भी हमें एक फायरप्लेस दी गई है, जो एक काफ़ी इसको रॉयल वाइब भी दे रही है, येट एलिगेंस भी इसके अंदर साथ ही साथ मेंटेन्ड है। ग्रेनाइट का इसके ऊपर स्लैब है, डेकोरेशन पीसेस वगैरह रख सकते हैं। वॉलपेपर्स भी अगर हम देखें तो सेकेंड टू नन काफ़ी अच्छे वाइट एंड गोल्ड के कम्बिनेशन में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी किसी तरह की कसर नहीं है, हर तरफ वॉल्स में किसी तरह की कसर नहीं है, और साथ ही फॉल सीलिंग कमाल भी कर दिया। आपको यहाँ पर स्पेनिश फॉल सीलिंग मिल रही है, खूबसूरत सा शैंडलियर मिल रहा है जिसके ऊपर आपको यहाँ पे कशीदाकारी का काम भी मिल रहा है, साथ ही साथ इसको मॉडर्नाइज भी किया हुआ है, एलईडी का काम भी है, लाइट्स का आप देख सकते हैं कि अंदर से ग्लोइंग वाइब आ रही है काफ़ी अच्छी, और बॉर्डर्स भी फॉल सीलिंग के काफ़ी अच्छे इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। इसी टीवी लाउंज के बिल्कुल एडजेसेंट ही हमें मिलता है इसका डिस्प्ले किचन। डिस्प्ले किचन के अंदर भी हमें सारी फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग प्रोवाइडेड है, सेम टाइल्स कंटिन्यूड है, वाइट हमें यहाँ पर कारपेंट्री देखने को मिल रही है जिसके अंदर ब्रास की गोल्डन लाइंस हमें देखने को मिल रही हैं, लाइटिंग काफ़ी सफिशिएंट है, हुड हो बीच एंड एवरीथिंग मॉडर्न इंस्टॉल्ड है। और चाहे ये स्लैब हो या फिर वॉल्स हो, हर जगह यहाँ पर हमें ग्रेनाइट ही देखने को मिल रहा है, जो थ्रू आउट एक इस किचन को यूनिफॉर्मिटी दे रहा है। और एक ये रॉयल सा आपको फॉसेट पॉइंट मिल रहा है, जो आपका डे लाइट की सोर्सिंग के बिल्कुल साथ है, और ईजी टू यूज़ है काफ़ी। आपका ओवन का पॉइंट यहाँ पर, आपको बाकी सारी एसेसरीज भी इंस्टॉल्ड मिल रही है, जैसे आपका ये डिश वॉशर है, एक बकायदा डेजिग्नेटेड डिज़ाइंड स्पेस है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने स्लैब के अंदर इसको मैनेज किया हुआ है। ओवन्स की डेजिग्नेटेड स्पेस के अंदर आपके ओवन्स इंस्टॉल्ड हैं, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड है, और साथ ही साथ मज़ीद भी आपको स्पेसिस दी गई हैं। इंटरकॉम का पॉइंट है आपके साथ ही, इंटरकॉम इंस्टॉल्ड है, और साथ ही आपको हॉट किचन अलग दिया गया है, जहाँ पर आप अपने सर्वेंट्स वगैरह से भी अगर कुकिंग करवाना चाहें यहाँ पर भी करवा सकते हैं। हुड हो बीच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है, सफिशिएंट स्पेस है, सेम क्वालिटी के साथ चल रहा है। और यहाँ पर हमें थोड़ी सी टाइल्स वाली, थोड़ी सी ब्लैकिश और ग्रेश सी वाइब आ रही है। और ये डोर है जहाँ से आप बेसिकली सर्वेंट क्वार्टर जो सेकंड फ्लोर पर है वहाँ पे आप एक्सेस भी देख सकते हैं अपने सर्वेंट्स को, और इसको भी फर्दर अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं।
और व्यूअर्स, ये जो कर्वेचर है इसके पीछे से ये हम दोबारा से अगर आएँ तो यहाँ से भी हम इसी शैंडेलियर की तरफ निकल आते हैं। तो आए व्यूअर्स, हम एक्सप्लोर करते हैं इसके रेयर साइड वाले दो बेडरूम। जैसे ही हम इसके इस वॉक से जाते हैं, यहाँ पर हमें ये खूबसूरत सा पैटर्न मिलता है जिसके सामने ये बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। और अगर हम फॉल सीलिंग में देखें तो यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉल सीलिंग में इंस्टॉल्ड है। राइट लेफ्ट बोथ साइड्स पर रूम है। आए पहले लेफ्ट वाले में चलते हैं। कमाल की थीम है, थोड़ा सा कलर डिफरेंस चल रहा है इसके अंदर, लेकिन प्राइमरी कलर्स सेम हैं। टाइल्स के साइजेस आप चेक करें, काफ़ी अच्छे रखे गए हैं। अगेन 3x6 वाले टाइल्स हैं। और ये व्यूअर्स इसकी थीम वॉल है। यहाँ पर आपका बेड इंस्टॉल हो सकता है इजीली, किंग साइज बेड आपके, जिसके पीछे ये खूबसूरत सी थीम वॉल जिसके अंदर ये मॉडर्न और एलिगेंट और रॉयल वाइब के वॉलपेपर्स हैं, और साथ साथ मोल्डिंग्स भी काफ़ी अच्छी लगाई हुई हैं। एयर कंडीशनर के पॉइंट्स भी हैं। और इससे अगर पॉइंट से आए तो बिल्कुल सामने हमें यहाँ पर एलईडी का पॉइंट मिलता है। इसके बहुत साइज पर मिरर्स, हमें यहाँ पर मज़ीद लाइट्स और निशेज मोल्डिंग्स की बनी हुई काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इमेजिन करें आप इस बेड पे बैठे हो, यहाँ से आपके डे लाइट के सोर्सेज हैं, जहाँ से आपको ये थोड़ा सा मॉडर्न टच में प्लांटर्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सामने देखते हैं तो यहाँ पर एलईडी का पॉइंट, आपके यहाँ से प्राइवेसी भी मेंटेन है क्योंकि ये खुलेगा बिल्कुल इस तरह से। और ये आपके फॉल सीलिंग के नज़ारे हैं इस अल्ट्रा स्पेनिश घर के अंदर। इसके अंदर एलईडी लाइट्स भी हैं और एक ओपननेस भी है, वाइटिश सी थीम है। दरवाज़ों की हाइट चेक करें, और जो रॉयल वाइब इन्होंने लकड़ी के दरवाजे बना के बना दिया, चौखाटे भी लकड़ी की हैं, दरवाजे भी लकड़ी के हैं। और एंटर होते साथ ही ये वैनिटी, कमाल की एक वाइब आ रही है इसके अंदर। आप देखें टिश्यू पेपर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपके कैटर किए गए हैं। स्पेनिश टाइल्स आपके लगे हैं व्यूअर्स। ये सर्कुलर मिरर 4x4 का आपका सर्कुलर मिरर लगा है। अब दूसरी तरफ जो हमें मिरर से नज़र आ रहा है, ये इसकी कंसील्ड वार्डरोब अप टिल द सीलिंग। इससे होते हुए जब हम आगे जाते हैं तो ये मिलता है इससे कमोड सेक्शन। अगेन इस वॉल पर हमें ग्रेनाइट यहाँ पर अप टिल द सीलिंग मिल रहा है, और यहाँ कमोड सेक्शन में भी पूरा ग्रेनाइट स्पेनिश टाइल्स। मतलब किसी भी चीज़ में इन्होंने किसी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कंसील हमारे कमोड सेक्शन, और यहाँ पर हमें एक शावर केस मिल रहा है जिसके अंदर अगेन एक शावर केस है, जिसके पीछे ग्रेनाइट की स्लैब है। स्पेनिश स्टाइल ऑल टू ऑल इंस्टॉल्ड है अप टिल द सीलिंग, और काफ़ी अच्छा इन्होंने इसको तरीके से एक डिज़ाइनर लेवल तरीके से एग्जीक्यूशन किया है इस घर की। तो आए व्यूअर्स, अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के दूसरे बेड की तरफ। ये आगे जिसका दूसरा बेड, जिसके अंदर हमें थोड़ी सी एटिक थीम के अंदर टाइल्स मिल रही हैं, और इन टाइल्स की फ्लोरिंग के साथ साथ हम स्कर्टिंग भी देख रहे हैं कि हमें सेम ही पैटर्न के अंदर देखने को मिल रही हैं। सेम उसी लेवल पे थोड़े से डिफरेंस के साथ यहाँ पर हमें वॉलपेपर्स मिल रहे हैं, लैंप्स लगे हैं यहाँ पर, और सबसे जो मेन चीज़ है यहाँ पर ये शैंडेलियर लगा है जो इस कमरे को इस वक्त एक काफ़ी इन्हांस कर रहा। वॉल्स में किसी किस्म की कमी नहीं है। और ये जो कंसोल है आपको दिखाते चलें, ये है जी इसकी थीम वॉल फॉर्म की। बोथ साइड्स पर मिरर्स लगे हैं। और अगर हम बेड की वॉल से आए, थीम वॉल से, तो बिल्कुल सामने इमेजिन करें आप इस कमरे में हो, यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पर आपने कोई सोफ़ाज वगैरह सिटिंग्स भी बना सकते हैं। फर्दर यहाँ पर भी चेयर्स लगा के सिटिंग्स बना सकते हैं। यहाँ पर आप लेटे हो तो बिल्कुल सामने आपके एलईडी इंस्टॉल्ड बड़े साइज़ की, इसका ये कंसोल है। आपको बोथ साइड्स पर ये पिलर मिल रहे हैं कोरियन के बने हुए। और अगर फॉल सीलिंग में देखें तो ये एक सिमेट्री है बोथ साइड्स पर, राइट लेफ्ट साइड पर ये पैटर्न्स, बॉर्डर्स, शैंडेलियर्स, फैंस इस तरफ भी और उस तरफ भी। और अगर यहाँ पे भी हम देखें तो इसके अंदर आप डेकोरेशन पीसीज डीज एंड एवरीथिंग फर्दर अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगेन इधर भी उसी तरह हमें कोरियन का एक पिलर मिल रहा है। और बेड से अगर आप राइट साइड की तरफ जाएँ तो यहाँ पर हमें मिलता है इसका ये अगेन 10 फुट क्लियर हाइट वाला डोर, जिधर से ये इसका मास्टर बाथरूम मिलता है हमें। व्यूअर्स, मास्टर बाथरूम के अंदर बाथ टब इंस्टॉल्ड है, टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं मैट फिनिश के अंदर, और करारा वाइट थीम की तरह की हमें यहाँ पर इम्पोर्टेड टाइल मिल रही है 3x6 की, जिसके दरमियान में हमें ब्रास की बजाय, क्योंकि वाइटिश टच है, यहाँ पे हमें सिल्वर की स्ट्रिप्स मिल रही हैं। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं रेन शावर एक्सपीरियंस में कंसील्ड रेन शावर मिल रहा है हमें 12x12 का। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये व्यूअर्स डबल वैनिटी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ कोरियन की प्रॉपर वैनिटी बनाकर लगाई गई है डबल मिरर्स के साथ। टाइल्स अप टिल द सीलिंग आपकी यहाँ से जा रही है। और यहाँ पर भी देखें तो ब्लैक एंड वाइट का एक काफ़ी अच्छा मिक्सचर है यहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट का काम, क्योंकि जहाँ ब्लैक एंड वाइट लेकर चले हैं वहाँ ब्लैक ग्रेनाइट अप टिल द सीलिंग कंसील्ड एग्जॉस्ट एलईडी लाइट्स का काम। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें कंसील्ड वार्डरोब्स मिल रही है अप टिल द सीलिंग।
और अगर वॉल की दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर भी हमें निशेस के अंदर अगेन काफ़ी अच्छा टाइल वर्क और साथ ही साथ हमें उस तरफ का काम मिल रहा है। तो व्यूज, ये घर लोकेटेड है बहरिया टाउन लाहौर के अंदर और इस घर की डिमांड है 12 करोड़ रुपये। और साथ ही साथ अगर हम आपको दिखाते चलें तो यहाँ पर हमें CCTV भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर सारे आपको कैमरास के यहाँ पर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो आए हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ यहाँ से मूव करते हैं। ये स्टेयर केस है खूबसूरत सा, जहाँ से हम इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ मूव कर सकते हैं। ये वॉक चेक करें, स्टील का स्टेयर केस है, बोथ साइड्स पर रोट आयरन का काम है, हमें यहाँ पर वुडन रेलिंग्स मिल रही है, साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक मोल्डिंग्स का बॉर्डर मिल रहा है जो यहाँ पर इसके चारों तरफ चल रहा है सर्कुलर शेप में। और ये शैंडेलियर और ये डोम बनाई गई है काफ़ी मेहनत के साथ। साथ ही अगर हम इसके लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो ये एक टेरेस है जहाँ पर हम बारबेक्यू सेक्शन के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मज़ीद अगर आप देखें तो आर्ट वर्क, यहाँ पर आपको मोज़ाइक वर्क, आपको बारबेक्यू का पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डेजिग्नेटेड मिल रहा है। और ये यहाँ से व्यूज़ है, व्यूज़ नज़ारे चेक करें आप। फर्स्ट हम एंटर होते हैं इसके फ्रंट वाले बेडरूम की तरफ। तो व्यूज़ अगेन उसी तरह 10 फुट की हाइट वाला डोर है, व्यूज़ वुडन चौकाट, वुडन डोर, इससे एंटर होते साथ ही ये आप चेक करें, अगेन उसी लेवल के वॉल पेपर्स हैं लेकिन पैटर्न थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी हमें काफ़ी स्पेशियस स्पेस मिलती है, जहाँ पर अगर यहाँ पर हम बेड के पॉइंट से हैं तो बिल्कुल सामने रेडी का पॉइंट है। राइट साइड पर भी हमें यहाँ पर उसी तरह से मोल्डिंग्स की निशेस मिल रही हैं। और जैसे अगर हम यहाँ से दूसरी तरफ जाएं तो यहाँ पर एक छोटा सा हमें टेरेस दिया गया है। लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पर एयर कंडीशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर भी हमें इसका दूसरा टेरेस दिया गया। समहाउ डोर्स स्टक हैं इस वक्त। आए व्यूज, अब इसके अटैच्ड बाथरूम में चलते हैं। ये आ गया इसका अटैच्ड बाथरूम, जिसके अंदर ये इस साइज़ का मिरर इंस्टॉल्ड है। व्यूज आप चेक करें, थोड़ा सा मॉडर्न टच के अंदर है, जिसके अंदर हमें ये गोल्डन डेक वाला यहाँ पे कंसील्ड कमोड सेक्शन मिल रहा है। इसके अंदर कमोड कंसील्ड है, ब्लैक ग्रेनाइट स्लैब के ऊपर वाइट वैनिटी और इस साइज़ का आपको मिरर इंस्टॉल्ड। इसके पीछे आपको स्पेनिश टाइल्स इंस्टॉल्ड मिल रही हैं, कॉर्नर्स पे ग्रेनाइट इतनी सफाई से लगाया हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम पीछे की तरफ जाएँ तो यहाँ पर हमें इसका ये रेन शावर एक्सपीरियंस है, कंसील्ड रेन शावर मिलता है। कंसील्ड यहाँ पर हमें वार्डरोब सेक्शन मिल रहा है, मतलब हर चीज़ के अंदर इन्होंने उसको प्रॉपर तरीके के साथ कैरी किया है और उसकी एग्जीक्यूशन इतनी नफासत से की है कि ऐसे लगता है कि जैसे एक एनिमेटेड चीज़ होती है। व्यूअर्स, ये अब आ गए इसके फर्स्ट फ्लोर के किचन के अंदर। ओवन इंस्टॉल्ड है, स्लैब्स आप चेक करें, कलर कम्बिनेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से कैटर किया, कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही देखने में। और ये आप चेक करें कि इसके अंदर ऑलरेडी लाइट्स वगैरह भी सारी आपको सारी कार्पेंट्री स्पेसेस के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल मिल रही है। हुड होब इंस्टॉल्ड है, फॉल सीलिंग में भी किसी भी किस्म की कमी नहीं है। तो फिर ये तो फ्रंट सेकेंड वाली साइड पर है, अब हम चलते हैं इसकी रेयर साइड पर। अगेन इस चैंडेलियर के नज़ारे लेते हुए, तो जैसे ही हम रेयर साइड पर आते हैं तो ये एक वॉक है जहाँ पर हमें ये मोज़ाइक का आर्ट वर्क देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हमें राइट साइड पर मिलता है इसका फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम। और ये आप चेक करें, किंग साइज बेड से भी बहुत बड़ी यहाँ पर आपको एक थीम वॉल मिल रही है, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपको कोरियन के यहाँ पर पिलर्स मिल रहे हैं। यूजुअल मोल्डिंग से थोड़ा सा हटके भी डिज़ाइनिंग है, मोल्डिंग्स के साथ साथ यहाँ पर भी आपको सिमिलर मिल रहा है, लेकिन हर जगह वॉल पेपर डिफरेंट मिल रहा है। मतलब इससे पता चलता है कि बंदे का टेस्ट कितना अच्छा है डिज़ाइनिंग के हिसाब से। बेड के पॉइंट्स हैं तो LED कन्वीनियंस, आपको यहाँ पर भी कोरियन के पिलर्स देखने को मिल रहे हैं, चार दो मेरे पीछे, चार यहाँ पर आगे की साइड पर। और फॉल सीलिंग चेक करें तो नॉनदरस बहुत बहुत मेहनत के साथ इन्होंने ये घर बनाया। एयर कंडीशनर ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है, हर दरवाजे की हाइट ज़्यादा है और एक एलिगेंट वाइब है हर दरवाजे की। हर जगह वैनिटी अच्छी है, मिरर्स बड़े साइज़ के हैं, उसकी बैक साइड पर टेक्स्चर्ड स्पेनिश टाइल्स हैं, कंसील्ड कमोड लगे हैं और हर जगह यहाँ पर बैक साइड पे हमें ग्रेनाइट देखने को मिल रहा है। और ये आप इसका शावर केस चेक करें, काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक खुला शावर केस सेक्शन बनाया गया है, जहाँ पर दूसरी तरफ हमें बैठने का एक सिटिंग पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मुड़ के देखते हैं तो यहाँ पर हमें कंसील्ड वार्डरोब अप टू द सीलिंग भी देखने को मिल रही है।
घर काफ़ी अच्छा है और एक प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी के साथ, स्लाइट चेंजेस के साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। और व्यूअर्स, ये हम आ गए इसके फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज के अंदर। बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी एक ओपननेस है, फायरप्लेस है आपके पास, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग, अगेन वही तरीका चलता आ रहा है लेकिन डिज़ाइनिंग में डिफरेंट है। और ये चेक करें, यहाँ से व्यू चेक करें आप इसकी, इस डोम सेक्शन का। और यहाँ पर अगर हम बैठे हो, यहाँ से बैठ के हम टीवी लाउंज इंजॉय कर सकते हैं, ये नज़ारे चेक कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो इन्होंने मोल्डिंग्स का काम किया, वॉलपेपर्स का काम किया, अगेन वॉलपेपर थोड़ा डिफरेंट है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कैटर किया है। और जैसे ही हम इसके एडजेसेंट रूम में जाते हैं तो ये सबसे, इस घर का सबसे कमाल की चीज़ ये बेडरूम है। बेडरूम आप चेक करें, एटिक टच के अंदर आपको टाइल मिल रही है। अभी तक आपको इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लगी, लेकिन अब आपको दिखाते हैं इसमें इंटरेस्टिंग है क्या। ये इसका कंसोल पॉइंट है, इसके ऑपोजिट साइड पर देखें तो ये है जी इसकी थीम वॉल, जिसके अंदर लेदर की थीम वॉल है, वो साइड पर फॉर्म वर्क भी मिल रहा है और काफ़ी अच्छी निश के तौर पर बनाया हुआ है। और बेड के पॉइंट से आएँ, पहले हम आपको ये दिखाते हैं चलें टेक्स्चर कितना अच्छा है। बेड के पॉइंट से आएँ तो ये है जी इसका कंसोल, राइट साइड से डेलाइट की सोर्सिंग, वॉलपेपर काफ़ी अच्छा है। और लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोल्डिंग का काम किया गया, फॉल सीलिंग भी देखें तो नॉनदलेस बहुत बहुत मेहनत के साथ बनाया गया। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ, जो इस घर की जान है। ये चेक करें, डबल डोर, यहाँ से हम एंटर होते हैं, ये एक बड़ी सी हमें वैनिटी मिल रही है ग्रेनाइट की स्लैब के साथ साथ। और ये आपका यूजुअल बाथरूम एक्सेसरीज, जिसके अंदर काफ़ी मेहनत के साथ इन्होंने आपको ट्रेवेंटीन के अंदर टेक्सचर्ड यहाँ पर शावर केस मिल रहा है, और काफ़ी मेहनत के साथ इन्होंने इसके अंदर काम किया है। आपको यहाँ पर कंसील्ड कमोड सेक्शन मिल रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ट्रेवेंटीन इंस्टॉल मिल रहा है अप टिल द सीलिंग। जिससे दूसरी तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है इसकी कंसील्ड वार्डरोब अप टिल द सीलिंग, राइट लेफ्ट बोथ साइड्स। और जैसे ही हम फर्दर आगे जाते हैं तो ये मिलता है जिम रूम। बेसिकली ये रूम एज डेडिकेटेड एज अ जिम है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर अगेन काफ़ी अच्छा इसके अंदर काम मिल रहा है। क्या आपको पता चल रहा है कि पत्थर तराश के इन्होंने कोई चीज़ बनाई है, और फर्दर इसके अंदर मज़ीद भी कोई पेंटिंग्स वगैरह स्पेयर भी रखी है, फॉल सीलिंग भी, चले एवरीथिंग काफ़ी अच्छा काम है। और अब हम आते हैं मेन चीज़ की तरफ व्यूअर्स, ये बेडरूम अटैच्ड स्विमिंग पूल है व्यूअर्स, काफ़ी अच्छा। आप देख सकते हैं कि आपके कमरे का पर्सनल स्विमिंग पूल है, जिसके अंदर ये आपकी फॉल सीलिंग है, और चारों तरफ आपको यहाँ पर उसी तरह ट्रेवेंटीन अप टू द सीलिंग, और काफ़ी अच्छा और मेहनत के साथ बनाया हुआ एक घर प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स इसके स्टेप्स लग जाएंगे स्टेयर के, जहाँ से अगर आप एंटर होंगे तो इस घर की जान, इस सेक्शन के अंदर आप एंटर होंगे, फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपका अपना पर्सनल स्विमिंग पूल होगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये घर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इस घर को फिज़िकली विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप इस तरह के मज़ीद खूबसूरत घरों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटीरियल के साथ, मज़ीद खूबसूरत घरों की वीडियोज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।